कोरोना का असर जिंदा व्यक्तियों पर ही नहीं बल्कि मरे हुए व्यक्तियों पर भी पड़ रहा है। ऐसा ही नजारा भीलवाड़ा के पंचमुखी धाम में देखने को मिल रहा है, जहां पर दाह संस्कार किए गए व्यक्तियों की अस्थियां विसर्जन का फिलहाल इंतजार कर रही है। आपको बता दें कि कर्फ्यू की शुरुआत से अब तक 70 दाह संस्कार यहां पर हुए हैं। अस्थियां विसर्जित हरिद्वार और त्रिवेणी नदी में होने के कारण यहां पर अस्थियां परिजन यहां से ले नहीं जा पा रहे। ऐसे में यहां पर अस्थियों का ढेर लगा हुआ है और कर्फ्यू आगे बढ़ा तो यहां पर और अधिक दिनों तक इनके रहने की संभावना है। लॉकडाउन और महाकर्फ्यू का असर रोजमर्रा के जीवन में देखने को तो मिल रही है, लेकिन अब जिनका जीवन नहीं रहा उस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जहां मोक्षधाम में अस्थियां विसर्जन का इंतजार कर रही हैं, लोग बाग मोक्ष करने में यानी चिता जलाने के बाद उनका अंतिम संस्कार करने के बाद अस्थियां लेने नहीं आ पा रहे हैं। कारण इसका यह है कि सारे संसाधन बंद हैं, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, इसलिए अस्थियों का ढेर मोक्षधाम में इकट्ठा होता जा रहा है और अस्थियां भी विसर्जन का इंतजार कर रही हैं। मैं आपको बता दूं, हिंदू मान्यता के अनुसार अस्थियों का विसर्जन नदियों में होता है, लेकिन अभी गंगा नदी हो चाहे हरिद्वार हो चाहे त्रिवेणी हो, लेकिन सभी ट्रांसपोर्टेशन बंद होने के कारण, यातायात बंद होने के कारण, लॉकडाउन होने के कारण अस्थियां मोक्षधाम में ही है। भीलवाड़ा में अब तक 70 से ज्यादा दाह संस्कार हो चुके हैं, लेकिन सभी की अस्थियां भी मोक्षधाम में ही है। सभी को कट्टों में भर भर के रखा जा रहा है। स्थिति ये आती जा रही है कि प्रबंधन को चिंता है कि अगर लॉकडाउन ज्यादा चला तो ये ढेर और बढ़ सकता है। कैमरा पर्सन गोविंद पायक के साथ योगेश शर्मा, एवन टीवी भीलवाड़ा। दौसा जिला कलेक्टर